नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम टाटा नेक्सॉन के साथ में होंडा WRV को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों में 53,000 रुपीस से लेकर 81,000 रुपीस का लंबा चौड़ा प्राइस गैप है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में अगर दोनों गाड़ियों को लेकर आपके जहन में कोई डाउट या सवाल है तो वो क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग भी बताऊंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाओगे कि आपको WRV लेनी चाहिए या फिर टाटा की नेक्सॉन लेनी चाहिए। क्या WRV आपको टाटा नेक्सॉन से ज़्यादा बेहतर और मजबूत बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है, क्या वो आपको WRV लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि होंडा अपनी गाड़ियों के साथ में क्या कर रहा है। एक तो उनकी सिविक और CR-V हर महीने उसकी एक भी गाड़ी नहीं बिकती है, हमेशा दोनों गाड़ियाँ जीरो यूनिट सेल की लिस्ट में शामिल होती हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों आप पैसे भी बहुत अच्छे खासे मांग रहे हो गाड़ी के और फीचर्स भी ऑफर नहीं कर रहे हो। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से वेन्यू का बेस वेरिएंट आपको मिलता है लगभग 6,70,000 रुपीज़ का। टाटा नेक्सॉन मिल जाता है 6,95,000 रुपीज़ का। वही होंडा ने WRV को लॉन्च किया है 8,66,000 रुपीज़ से, यानी कि यहीं से प्राइस गैप शुरू हो जाता है, जहां पर सेगमेंट आपको बहुत सारे टॉप नॉच कंफर्ट एंड कन्वीनियंस प्लस सेफ्टी फीचर्स ऑफर करता है। जैसे कि आपको ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स मिल जाते हैं, मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, आपको 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, 7-speed DCT मिल जाता है, 6 एयरबैग्स या फिर 7 एयरबैग्स के ऑप्शंस मिलते हैं, हार्मन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, कई सारे टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ आपको WRV में देखने को नहीं मिलेगी, फिर भी प्राइस आप एक प्रीमियम गाड़ी की पे कर रहे हो। तो मुझे लगता है होंडा को जल्द ही नींद से जागने की ज़रूरत है। अगर होंडा अपनी गाड़ियों के साथ में ऐसे ही करते रहेगा तो होंडा को डूबने से कोई नहीं बचा सकता और उन्हें जल्दी ही इंडिया छोड़ के भागना पड़ेगा। तो दोनों गाड़ियों को लेकर अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइस रेंज और सेगमेंट के बारे में। शुरुआत करेंगे सेगमेंट से। तो दोनों ही गाड़ियां सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इस सेगमेंट की प्राइसिंग दोस्तों स्टार्ट होती है 6,70,000 रुपीज़ से लेकर ये चली जाती है 13 लाख रुपीज़ तक। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोनों ही गाड़ियों की लेंथ बराबर है, लेकिन टाटा की नेक्सॉन विड्थ के मामले में लगभग 77 mm और हाइट के मामले में मात्र 5 mm ज़्यादा बड़ी है। वहीं होंडा की WRV व्हील बेस के मामले में लगभग 57 mm ज़्यादा बड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। होंडा की WRV में आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि मात्र 90 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 4800 RPM पर। वहीं टाटा की नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 120 PS की पावर जनरेट करता है 5500 RPM पर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 1750 से लेकर 4000 RPM पर। अब बात करते हैं डीजल के बारे में। तो होंडा WRV में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 100 PS की पावर जनरेट करता है 3600 RPM पर और लगभग 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 1750 RPM पर। वहीं टाटा की नेक्सॉन में आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करता है 4000 RPM पर
और लगभग 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 1500 से लेके 2750 आरपीएम पर। अब देखते हैं दोस्तों कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है, तो एक नजर डालेंगे दोनों ही गाड़ियों की कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि दोनों में से किसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा मजबूत है। तो जहां तक होंडा की WRV का सवाल है, इसका वजन है 1087 किलोग्राम से लेकर 1234 किलोग्राम तक। वही टाटा नेक्सॉन का वजन है 1088 किलोग्राम से लेकर 1250 किलोग्राम तक। लेकिन यहां पर इम्पॉर्टेंट गौर करने वाली चीज़ ये है कि टाटा नेक्सॉन का NCAP क्रैश टेस्ट हो चुका है और इंडिया की सबसे पहली गाड़ी है जो 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर आई थी, इसे हम भूल नहीं सकते। चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो होंडा की WRV में आपको अप्रॉक्सीमेटली 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं टाटा की नेक्सॉन में आपको 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। टर्निंग रेडियस की जहां तक बात है, WRV आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर करती है, वहीं नेक्सॉन में आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर होंडा की WRV में आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं टाटा की नेक्सॉन में आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और हमेशा की तरह लगे हाँ तो माइलेज पर भी गौर कर लेते हैं, तो टाटा की नेक्सॉन में आपको 17 kmpl से लेकर 22 kmpl का कंबाइन माइलेज देखने को मिल जाएगा। वहीं होंडा की WRV में आपको 16.5 kmpl से लेकर 23.7 kmpl का कंबाइन माइलेज मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो जहां पर टाटा नेक्सॉन में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, वहीं होंडा की WRV में सेगमेंट का लगभग सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 363 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स पर बात करें, तो एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर और शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, LED DRLs देखने को मिल जाएंगी, LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, फ्रंट फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं और दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, दोनों गाड़ियों में आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा, रियर स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा, रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको डे नाइट IRVM का फीचर मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपको दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटोफोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं, क्रूज कंट्रोल का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, साथ ही साथ में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिल जाएगा, दोनों ही गाड़ियों में आपको टिल्ट पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगी, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब मिलेगा और दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, अलॉन्ग विथ ऑल द बेसिक नेसेसरी फीचर जैसे कि AM/FM USB ऑक्सिन ब्लूटूथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार कनेक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर हरमन का म्यूजिक सिस्टम होने की वजह से और कई सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ में आने की वजह से टाटा की नेक्सॉन का म्यूजिक सिस्टम बाजी मार ले जाता है, जिसकी म्यूजिक क्लैरिटी और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। नेक्स्ट, आपको दोनों ही गाड़ियों में रियर व्यू पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर वाइपर एंड वॉशर, कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं, मिनिमम ड्यूअल एयरबैग्स मिल जाते हैं और ABS प्लस EBD जैसे फीचर्स दोनों ही गाड़ियां ऑफर कर। अब बात कर लेते हैं होंडा की WRV में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको टाटा की नेक्सॉन में देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही छोटी लिस्ट है दोस्तों, मात्र 3 फीचर्स हैं जो आपको नेक्सॉन ऑफर नहीं करेगी। सबसे पहला फीचर है WRV में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग मिलती है, वहीं नेक्सॉन में आपको मात्र टिल्ट पावर स्टीयरिंग ऑफर की जाती है। दूसरा फीचर है दोस्तों, यहाँ पर AC का कंट्रोल पैनल ऑपरेट करने के लिए WRV में आपको किसी भी तरीके के बटन्स या नॉब्स नहीं मिलते, एक टच बेस कंट्रोल पैनल मिल जाता है जिसे गाड़ी चलाते वक्त ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा होता है। इस चीज़ को हम ऑलरेडी इससे पहले वाली जो पुरानी होंडा सिटी थी उसमें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तीसरा और लास्ट फीचर है दोस्तों, इसमें आपको मल्टीपल व्यू रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है जिसमें 3 अलग अलग मोड्स मिलते हैं, एक है नॉर्मल व्यू, एक है वाइड एंगल और एक टॉप से डाउन का व्यू देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको होंडा की WRV में नहीं मिलेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं,
फ्रंट फॉग लैंप विद कॉर्नरिंग फीचर आपको देखने को मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, आगे के दोनों डोर्स में आपको अम्ब्रेला होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगी और 15 लीटर्स का मल्टी यूटिलिटी ग्लव बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड या फिर विजिटिंग कार्ड होल्डर, दो कप होल्डर, पेन होल्डर जैसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है दोस्तों हार्मन का म्यूजिक सिस्टम, रियर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, ड्यूल टोन रूफ का ऑप्शन मिल जाएगा, मल्टीपल ड्राइव मोड्स सच एज इको सिटी एंड स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ में नेक्सॉन आपको रियर एसी वेंट्स भी ऑफर करती है। नेक्स्ट आपको मिलेगा दोस्तों एक्सप्रेस कूल फास्ट एसी कूलिंग का फीचर, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, इमरजेंसी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल आपको देखने को मिल जाएगा और इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट का फीचर भी नेक्सॉन ऑफर करती है। नेक्स्ट आपको मिलेगा ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड असिस्ट का फीचर एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज NCAP क्रैश टेस्ट, 5-star सेफ्टी रेटिंग्स आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर नेक्सॉन में आपको 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, वहीं होंडा की WRV में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी ऑफर की जाती है। अब थोड़ी मेंटेनेंस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्सॉन के मुकाबले WRV का मेंटेनेंस काफ़ी सस्ता आता है, WRV एक बेहतरीन वारंटी पैकेज के साथ में आती है एंड आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा कि आफ्टर सेल सर्विस के मामले में होंडा की सर्विस टाटा से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जो कि है प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। होंडा की WRV का जो पेट्रोल मैनुअल टॉप एंड वेरियंट है जिसका नाम है VX, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 9,86,929 रुपीज़ तक का मिल जाता है। वहीं टाटा नेक्सॉन का XZ+ ऑप्शनल वेरिएंट जो है वो मैनुअल में आपको मिलेगा 10,40,000 रुपीज़ का, जो कि होंडा WRV से लगभग 53,071 रुपीज़ ज़्यादा महंगा आता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डीजल के बारे में। तो WRV का जो मैनुअल में डीजल टॉप एंड वेरिएंट है VX वो आपको मिलेगा 11,09,069 रुपीज़ का। वहीं टाटा नेक्सॉन का जो टॉप एंड वेरिएंट है XZ+ ऑप्शनल मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 11,90,000 रुपीज़ का, जो कि WRV से लगभग 80,931 रुपीस महंगा आता है। ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप टाटा नेक्सॉन के लिए यहाँ पर पे कर रहे हैं दोस्तों, उसके एवज में टाटा नेक्सॉन आपको लगभग 20 टॉप नॉच कंफर्ट एंड कन्वीनियंस एंड सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा प्राइस यहाँ पर डेफिनेटली जस्टिफाई हो जाती है। होंडा फीचर्स भी ऑफर नहीं कर रही है और अपनी गाड़ियों के लिए एक प्रीमियम प्राइस भी एक्सपेक्ट कर रही है। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स पर और शुरुआत करेंगे होंडा की WRV से। तो सबसे पहली कमी मुझे नज़र आती है कि फिलहाल होंडा की WRV आपको कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन ऑफर नहीं करती है। दूसरी कमी, इसके जो भी वेरिएंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं, उनकी प्राइस काफ़ी कम होनी चाहिए थी। तीसरी कमी मुझे यहाँ पर नज़र आती है फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इनफैक्ट इसमें कोई फीचर्स ही नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की कमियों के बारे में। तो इसका जो इंटीरियर है उसकी फिट एंड फिनिश और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर और प्रीमियम हो सकती थी, जो कि अभी नहीं है। इसके पेट्रोल वेरिएंट में आपको लो स्पीड पर पावर की कमी महसूस हो सकती है दोस्तों, और साथ ही साथ में इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है उसकी साइज़ और डिज़ाइन और क्वालिटी के मामले में थोड़ा और ज़्यादा बेहतर और बड़ी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में। तो यहाँ पर मेरी राय में सभी चीज़ें ध्यान से देखने के बाद में टाटा की नेक्सॉन क्लियर विनर साबित होती है, क्योंकि नेक्सॉन हमें कहीं ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स ऑफर करती है, बेटर बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है, बेटर सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है, बेटर राइड एंड हैंडलिंग ऑफर करती है, बेटर कंफर्ट ऑफर करती है, इंजन का परफॉर्मेंस और पावर आउटपुट ज़्यादा बेहतर है, टॉप नॉच के सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है और सबसे इम्पॉर्टेंट NCAP क्रैश टेस्ट में ये 5-star सेफ्टी रेटिंग्स लेकर आई है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से टाटा नेक्सॉन यहाँ पर क्लियरली विनर साबित होती है। मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने लिए मेरे हिसाब से मैं टाटा की नेक्सॉन लेना पसंद करूँगा। अब ये आपको तय करना है कि अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से आप कौन सी चीज़ों को तवज्जो देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट देना चाहते हैं
और दोनों में से कौन सी गाड़ी अपने लिए घर लाना चाहते हैं। दोनों में से आपने अपने लिए कौन सी गाड़ी चुनी ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे हमेशा आपके कमेंट का इंतज़ार होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।